आज हम द्रवों में संवहन की प्रक्रिया को एक प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक फ्लास्क की, एक ट्राइपॉड की और एक स्पिरिट लैंप की और पोटेशियम परमैंगनेट की, जिसे लाल दवा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। कांच के फ्लास्क में आधे से अधिक पानी भरेंगे। और सावधानी पूर्वक पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण डालेंगे और स्पिरिट लैंप की सहायता से फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे। तब हम देखते हैं कि कुछ लाल पतली धाराएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती हैं और वापस नीचे की ओर जाती हुई दिखाई भी देती हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि फ्लास्क के तल के अणु पहले गर्म होने के कारण वह ठंडे अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण नीचे से ऊपर की ओर उठ रहे हैं और ऊपरी सतह के जल के ठंडे अणु नीचे की ओर जा रहे हैं और ये अणु भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रहे हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और पानी गर्म हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं।